सिंगरौली जिले के सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से चोरों ने एक मोटरसाइकिल की डिग्गी में से रखे 85,000 रुपए उड़ा लिए। मामले को लेकर सरई थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। पूरा घटनाक्रम सरई थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर दूरी का है। फरियादी हंसलाल साकेत ने पुलिस को बताया कि उसने यूनियन बैंक से 85,000 रुपए निकाले थे। रुपए निकालने के बाद वह उसे डिग्गी में रखकर सरई अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया था। मुलाकात करने के 10 मिनट बाद ही जब वह वापस आया तो उसकी गाड़ी की डिग्गी का लॉक खुला हुआ था और पैसे गायब थे। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। अपने मेरे सास स्वास्थ्य केंद्र सरई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरई में भर्ती हैं, उनको मैं देखने आया था। तो मैं सोचा सर कि कुछ बैंक से पैसा भी मैं लेते आऊँगा, पैसा की मुझे ज़रूरत था। तो मैं सर 85,000 रुपये का चेक के माध्यम से टिलक्स में डिग्गी में रख के और तुरंत हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में गाड़ी हॉस्पिटल के जस्ट सामने गेट के अंदर, तो वहीं गाड़ी खड़ा किया। गाड़ी खड़ा करके भर्ती वाले कक्ष में जिसमें मरीज भर्ती रहते हैं वहाँ जाकर देखा तो सात लोगों का हमारा थाने में आश्वासन ये मिला है सर कि पूरी तरह से मदद साहब करेंगे और उसको जांच करके और पैसे दिलवाने में मदद करेंगे। पूरा मुझे विश्वास है सर कि मिल जाएगा मेरा पैसा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।